हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नू फूड रेसिपी चैनल। आज हम आपको कांजी वड़े बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने लिया मूंग की दाल 150 ग्राम भुआ, जिसे हमने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखा था और इसे इसका पेस्ट बना लिया है हमने। इसी तरीके से हमने उड़द की दाल ली है, जो लिए हमने 50 ग्राम, जिसे हमने कम पानी की सहायता से वही पेस्ट बना लिया है। चुटकी भर खाना सुना और नमक स्वाद अनुसार लिया है। कांजी वड़े बनाने के लिए अब हम उड़द की दाल को मूंग की दाल में मिलाएंगे। पेस्ट को ऐसे ही फैटना है, एक ही डायरेक्शन में फैटना है और ये व्हाइट हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब हम इसको चेक करेंगे। एक कटोरी में पानी लेकर हम इसमें थोड़ी सी ड्रॉप डालेंगे पेस्ट की और देखिए जी अच्छे से फूलकर ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये हमारा बैटर तैयार है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे। बड़े को सेकेंगे। बड़े को आप है ना चम्मच की सहायता से भी सेक सकते हो और हाथ की सहायता से भी डाल सकते हो कढ़ाई में। हमें बड़े नहीं है, छोटे छोटे डालने हैं। दो से तीन मिनट सेकेंगे और कचड़ी से चलाते रहेंगे। बड़े ने गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। और अच्छे से सिक चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए बैटर से बड़े तैयार कर लेंगे। बड़े हमारे तैयार हैं। हल्के गुनगुने पानी में हम इन बड़ों को भिगो देंगे। लगभग आधे घंटे के लिए हम इन्हें भिगोने देंगे। अब हम कांजी वड़े का पानी बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया 1 लीटर पानी लिया है, जिसे हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद उसे ठंडा होने दिया है। अब हम इसमें जो मसाले डाले उसके बारे में बताते हैं। दो चम्मच राई, इसकी जगह अगर आपके पास राई नहीं है तो आप इसकी जगह पीली सरसों भी ले सकते हो। लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, चुटकी भर हींग, काला नमक आधी चम्मच, सेंधा नमक आधी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच। अब हम पानी में सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर आधी चम्मच, राई 2 चम्मच, चुटकी भर हींग आधी चम्मच, काला नमक आधी चम्मच, सेंधा नमक सादा नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार और इसको अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसमें आधी चम्मच सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप
कांजी वड़े खाने हैं तो इसमें आप है ना एक नींबू डालकर यूज कर सकते हो। अब इसको हम ढककर दो से तीन दिन धूप में रखेंगे और सुबह शाम चम्मच की सहायता से चलाएंगे। वड़े के पानी को हमने तीन दिन धूप में रखा है और इसको सुबह शाम चम्मच की सहायता से चलाएं। ये पानी हमारा तैयार है वड़े का। वड़े को पानी में भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको इसका हाथ से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और वड़े के पानी में डाल देंगे। हमें वड़े को ज्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्के हाथों से ही निचोड़ना है। सारे वड़ों को हमने पानी में डाल दिया है। अब हम इसे एक घंटे तक ऐसे ही रखेंगे और एक घंटे के बाद इसे सर्व करेंगे। इसे हो चुका है भीगे हुए। अब हम इसको सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।